हेलो स्टूडेंट्स, कर्व्स इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री सेवेंथ लेक्चर सेवेंथ वीडियो, कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस का ये तीसरा वीडियो और एग्जांपल भी तीसरा। वी हैव टू शो दैट द कर्व दिस हैज सिक्स पॉइंट कॉन्टेक्ट विद द पैराबोलॉइड एट द ओरिजिन। वेक्टर फॉर्म ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व और इक्वेशन ऑफ द गिवन सरफेस एट द कॉमन पॉइंट टी। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज टी के रूप में दी गई हैं, इसको इस पर रखिए। एट द कॉमन पॉइंट टी एक्स स्क्वायर माने टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माने टी टू द पावर सिक्स माइनस वाई माने वाई स्क्वायर। अब ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड नहीं, अब इसको हम कहेंगे एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी। ये क्या लिख दिया, टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी टू द पावर सिक्स। नाउ एफ डैश टी इक्वल टू सिक्स टी टू द पावर फाइव, एफ डबल डैश टी इक्वल टू थर्टी टी टू द पावर फोर, एफ ट्रिपल डैश टी इक्वल्स टू 120 टी क्यूब, एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट टी इक्वल टू 360 टी स्क्वायर, कैसे हो रहा है, चार हाँ छह तक जाएगा ना, ओके। एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट टी इक्वल टू 720 टी एंड एफ सिक्स्थ डेरिवेटिव एट टी इक्वल टू 720। एट द ओरिजिन टी कितना होगा, इसको चेक कर लें। एट द ओरिजिन एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, तो जाहिर सी बात है टी इक्वल टू जीरो, तो लिख के करें चाहे लिख दें, ऑब्वियसली क्लियरली एट द ओरिजिन टी इज इक्वल टू जीरो, जैसी इच्छा करें लैंग्वेज आप लिख दें। एट द ओरिजिन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो, दैट इज टी इक्वल टू जीरो टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो टी क्यूब इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू जीरो। अब ये सभी डेटा हमें टी इक्वल टू जीरो पर निकालना होगा। देयर फोर एफ डैश एट जीरो इक्वल टू, ये देखो टी इक्वल टू जीरो पर सब जीरो हो जाएगा ना, टोटल जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। एफ डबल डैश एट जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ट्रिपल डैश एट जीरो इक्वल टू जीरो, एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो इक्वल टू जीरो, एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट जीरो इक्वल टू जीरो, एफ सिक्स्थ डेरिवेटिव एट जीरो नॉट इक्वल टू जीरो 720, उसमें टी नहीं है। अब थियरी आप याद कर लें, सिक्स्थ डेरिवेटिव यदि नॉन जीरो है और उसके शुरू के सब जीरो हैं जीरो हैं, तो यही मतलब है सिक्स पॉइंट कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट ऑफ फिफ्थ ऑर्डर। दस द गिवन कर्व हैज सिक्स पॉइंट कॉन्टेक्ट विद द गिवन सरफेस। With the given surface at the origin, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था ये, मैंने बस बता ही दिया क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में तीन बार पूछा गया, ऐसा मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसको बता देना चाहिए। एग्जाम्पल फोर, इस पे एक स्टार हम लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे व्हेन द कर्व इज गिवन एज कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, एज कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस।
जब जब कर्व का इक्वेशन टू सरफेसेस के इंटरसेक्शन कर्व के रूप में दिया रहेगा तब तब कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी आपने देखा, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो पॉइंट चल रहा है इसमें भी आप देख रहे हो, आगे भी आप देखोगे, जो भी चीज़ पढ़ोगे ना ये दिमाग में गठिया ले। जब जब कर्व का इक्वेशन दो सरफेसेस के कॉमन कर्व के रूप में दिया रहेगा तब तब जटिलता बढ़ेगी। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसको यदि आपने कभी नहीं किया है तो सडनली तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, घर पे भले कई ट्रायल में हो जाए। क्वेश्चन में लिखता हूं, इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू सी जेड कामा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो, यह सर्किल है बाबुआ, यहां से यहां तक मिला के, यहां से यहां तक सरफेस का इक्वेशन है। कौन सा सरफेस है? स्फीयर। ये किसका इक्वेशन है? ये भी तो सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? प्लेन। तो जब हम सर्किल को प्लेन से काटते हैं तो कॉमन क्या होता है? सर्किल, उसे बोलते हैं सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने यही पढ़ा हुआ है। इफ द सर्किल दिस हैज थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट, हैज थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट विथ द पैराबोलोइड, विथ द पैराबोलोइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू टू जेड, देन सी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट रखना है। थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट रखने का मतलब सेकेंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव जीरो होंगे, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा। तो सेकेंड ऑर्डर तक हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, बिल्कुल ही स्पेशल ट्रीटमेंट है इसके सोल्यूशन का, बिल्कुल ही स्पेशल अप्रोच है, वो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने इस पर एक स्टार लगा दिया। ऐसे क्वेश्चंस पे एक स्टार स्टार लगा कर रखना चाहिए ताकि जब अपना लिखा हुआ नोट्स आप पढ़ें, स्टार लगा हुआ देखें तो समझ लें कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके सोल्यूशन को हर रिवीजन में देखना जरूरी है। हर रिवीजन में जितनी बार रिवाइज करिए उतनी बार इसको देखिए। स्टार्ट करते हैं। गिवन कर्व सोल्यूशन यहां शुरू करते हैं। गिवन कर्व इज, ये कर्व है सर्किल, इसे आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू सी जेड, तो इसको ऐसे लिखे माइनस टू सी जेड इक्वल्स टू जीरो कामा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो। ध्यान ये देखना है, ये स्फीयर ओरिजिन से होके जाएगा, ये प्लेन ओरिजिन से होके जाएगा, इसका मतलब ये सर्किल भी ओरिजिन से होके जाएगा और ये जो सरफेस है ये भी ओरिजिन से होके जाएगा। इसीलिए इन दोनों का कॉन्टेक्ट कहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं? एट द ओरिजिन। ये कहीं लिखा होगा हैज थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द ओरिजिन, नहीं लिखा है? हैज थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द ओरिजिन, ये बढ़ा लो भैया, हैज थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट यहाँ पे बढ़ाइए एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। ठीक। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, जनरल पैरामीटर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर टी वी गेट, देखो टू 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 सब में आगे हम नहीं लिख रहे हैं, समझ लो कट गया, उड़ गया, उधर जीरो है ना, तो आगे एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस y इंटू वाई डॉट प्लस z इंटू जेड डॉट माइनस
2cz dot equal to 0 and lx dot plus my dot plus nz dot equals to 0. इसकी नंबरिंग कर ले। नंबर टू, नंबर वन कौन सा था फिर? नंबर वन इसी इक्वेशन को लिख लेंगे। एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन दीज गिव, दो है ना इसलिए बहुवचन में लिखा, दीज गिव ओरिजिन पे एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, ये बचेगा बस, ये बचेगा यानी कि जेड डॉट इक्वल टू जीरो कामा, ये सब बचेंगे। एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट प्लस एन जेड डॉट इक्वल टू जीरो, जेड डॉट इक्वल टू जीरो इसमें रख दिया जाए, इंप्लाइज दैट एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट प्लस एन जेड डॉट, अब मत लिखिए इसको क्योंकि जेड डॉट जीरो है, इक्वल टू जीरो कामा जेड डॉट इक्वल टू जीरो, ये तो चलता ही रहेगा। इंप्लाइज दैट एल एक्स डॉट इक्वल टू माइनस एम वाई डॉट एंड जेड डॉट इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट कोफिशियंट्स की अदला बदली कर लें, माइनस एम को इसके नीचे, एल को इसके नीचे कर लें, एक्स डॉट अपॉन माइनस एम इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एल कामा जेड डॉट इक्वल्स टू जीरो, इंप्लाइज दैट एक्स डॉट अपॉन माइनस एम इक्वल्स टू वाई डॉट अपॉन एल इक्वल्स टू लेमडा से कामा जेड डॉट इक्वल टू जीरो, implies that x dot equal to minus m lambda, y dot equal to l lambda, z dot equal to 0, इन सब की नंबरिंग कर दिया हमने 3। इसे यहां पे अंडरलाइन कर ले। अब इसको फिर हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग Differentiating first equation of 2 with respect to t, we get a product rule लगेगा ना इसमें, first function x derivative of second कितना हो जाएगा, x into x double dot, फिर derivative of first into second x dot यानी plus x dot square प्लस वाई इंटू वाई डबल डॉट प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड डबल डॉट प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस टू सी जेड डबल डॉट इक्वल्स टू जीरो, एट द ओरिजिन इट गिव्स, इसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इससे कुछ मिलना नहीं है, ये डबल डॉट डबल डॉट हो जाएगा बस, इट गिव्स इसमें एक्स जीरो कर दो वाई जीरो कर दो जेड जीरो कर दो तो ये तीन टर्म खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या क्या बचेगा, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी जेड, कहाँ से हाँ इक्वल टू सी जेड डबल डॉट इक्वल्स टू ये टू कहाँ से आ गया, ये गिवन कर्व इज कर्व का इक्वेशन कहाँ है, टू सी जेड, अच्छा टू कट गया ना, टू तो कट ही जाएगा, ये कहाँ से आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है जब इसको डिफरेंशिएट किए तो 2xx डॉट प्लस 2yy डॉट
प्लस टू जेड जेड डॉट माइनस टू सी जेड डॉट, सबका टू कैंसिल किए, इसका भूल गए, ये टू हटाओ, देखो यहाँ हमको दिक्कत होने लगी, ये टू हटाओ बस, अब यहाँ से ये टू हट जाएगा, तो इधर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये बचा, ये बचा, ये बचा, इक्वल टू सी जेड डबल डॉट, इक्वल टू सी जेड डबल डॉट, ये रहा। अब इसकी भी नंबरिंग कर दें, नंबर फोर। इन रिजल्ट्स को हम किनारे कहीं लिखेंगे और तब काम को आगे बढ़ाएंगे, यही मैं लिख ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू सी जेड इक्वल टू जीरो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। एक्स एक्स डॉट प्लस वाई वाई डॉट प्लस जेड जेड डॉट माइनस सी जेड डॉट इक्वल टू जीरो कामा, एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट प्लस एन जेड डॉट इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। एक्स डॉट इक्वल टू माइनस एम लेमडा, वाई डॉट इक्वल टू एल लेमडा, जेड डॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया नंबर तीन। और एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इक्वल टू सी जेड डबल डॉट, नंबर फोर। इक्वेशन ऑफ कर्व लेकर के ये सब ट्रीटमेंट हम किए, दो बार डिफरेंशिएट करने तक प्रोसेस ले चले। अब ऐसे ही सरफेस के इक्वेशन हम लिखेंगे और उसके साथ भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे। इक्वेशन ऑफ सरफेस इज इक्वेशन ऑफ सरफेस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, नंबर फाइव। इसे भी यहां दर्ज कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू टू जेड या माइनस टू जेड, जैसे भी लिख दो बाबा। Differentiating it with respect to t, differentiating it with respect to t, we get 2ax x dot plus 2by y dot minus 2z dot equals to 0, 2 cancel kariye, implies that ax x dot plus by y dot minus z डॉट इक्वल्स टू जीरो, इसे नंबर छह डालिए। ए एक्स एक्स डॉट प्लस बी वाई वाई डॉट माइनस z डॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज सिक्स्थ। इसे फिर डिफरेंशिएट करिए या एट द ओरिजिन निकाल लीजिए, एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन इट गिव्स एक्स जीरो वाई जीरो, रखोगे खत्म हो जाएगा, यही बचेगा, ये देगा जेड डॉट इक्वल टू जीरो, जो कि कोई नया रिजल्ट नहीं मिला है, वो आपके पास पहले से है, इसलिए इस पर हम नंबर वंबर नहीं डाल रहे। डिफरेंशिएटिंग सिक्स, With respect to t, we get ax x double dot plus a x dot square plus by y double dot plus by dot square minus z double dot equals to zero. से भी नंबरिंग कर लिया जाए, सेवन। ए एक्स एक्स डबल डॉट प्लस ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई वाई डबल डॉट
प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जेड डबल डॉट. नंबर सेवन, एट द ओरिजिन इट गिव्स एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा, वाई वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, यानी कि ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डबल डॉट. नंबर एट, ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जेड डबल डॉट. नंबर एट, z डबल डॉट की ये वैल्यू नंबर चार में रखिए और z डॉट इक्वल टू जीरो की वैल्यू भी नंबर चार में रखिए. ये भी तो है आपके पास. तो इन दोनों पे हाइलाइटर हम लगा दे रहे हैं और हम लिख रहे हैं पुटिंग z डॉट इक्वल टू जीरो ये वाला एंड z डबल डॉट इक्वल टू ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फोर. इन इक्वेशन नंबर फोर वी गेट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू सी जेड डबल डॉट इक्वल टू सी ब्रैकेट में ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर. सी की वैल्यू यहीं से निथार लीजिए. अब इम्प्लाइज दैट सी इक्वल्स टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर. अब x डॉट y डॉट की वैल्यू नंबर थ्री से यहां पे रख दीजिए. इक्वल्स टू x डॉट स्क्वायर माने एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर एल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन x डॉट स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई करके लिखना है, माने a एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस b एल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर. ऊपर नीचे लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस सॉरी बी एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर. यही वैल्यू निकालनी थी, यही सी की वैल्यू निकालनी थी. तो ये था इस एग्जांपल का सलूशन जो कि इम्पोर्टेंट है. ये यूनिवर्सिटीज़ में पूछा भी जाता है सभी जगह. इसका सलूशन बहुत ही स्पेशल है. इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इनफ्लेक्शनल टेंजेंट. वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू वेरी मच.